किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे किसान एकता। नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप ये जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये धरना लगा हुआ है सिरसा जिला के गांव बकरियावाली के पास। सिरसा से गोगामेड़ी रोड पर है और यहां से गुजरने वाली नहर शेरावाली का 10 दिन पहले रिमॉडलिंग का काम चल रहा था, लेकिन किसानों ने रुकवा दिया और उसके बाद ये किसान धरने पर बैठ गए। दरअसल इनकी जो मांग है वो मांग है कि जो रिमॉडलिंग का काम चल रहा है वो नहर का लेवल जो है वो नीचे था, जो 20 सालों से किसानों की मांग थी और अभी भी उनकी यही मांग है कि इसको ऊंचा उठाया जाए। इसको लेकर ये किसान धरने पर बैठे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इन किसानों की बात सुनिए और उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल में किसानों की क्या समस्या है, कैसे समाधान हो सकता है और क्या इनकी मांग है। सबसे पहले जो आप हमारी न्यूज़ को कवरेज करने के लिए आए, आपने न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा नाम विनोद कुमार जांदू है। हमारी मांग सर 20 साल से है, जो ये शेरांवाली जो नहर है इसका तल बकरियां वाली से लेके 66,000 की बुर्जी से लेके 96,000 की जो बुर्जी है, लगभग 5 किलोमीटर का आप मानो ये, इसमें इसका जो तल है वो पीछे से कम 10 फुट की गहराई में है। अभी आप थोड़ा सा अगर अपने कैमरे को इधर जूम करोगे जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसमें 100 फुट में कम से कम जो है नहरी महकमे ने 10 फुट में 2 फाल दे रखे हैं। तो पिछले 20 सालों से जो ये हमारे ये जो किसान भाई हैं, जब भी पानी नहर के अंदर आता है तो जो भी अपने खेतों में सिंचाई करते हैं तो सभी को पानी जो है वो लिफ्ट के द्वारा अपने खेतों में लगाना पड़ता है। तो हमारा कम से कम आप मान के चलो भी आधा घंटा में 150 रुपये के तेल के भी खर्चा आता है। तो इस बाबत हमने पिछले 20 सालों से काफ़ी बार जो है हम इकट्ठे हुए, काफ़ी बार हमने जो है यहाँ पर माननीय श्री मेरे ख्याल में एक बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनको भी रोक के हमारी इस समस्या से उनको अवगत करवाया था। और पिछले 20 सालों से जो भी मुख्यमंत्री आए हैं, जो भी MLA आए हैं, हर बार हम उनको अपनी समस्या जो है हमारी आगे रखते आए हैं, लेकिन 20 साल में आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने और किसी भी MLA ने हमारी एक नहीं सुनी। अब क्या हुआ भी इस नहर का जो है निर्माण कार्य, रीमॉडलिंग का कार्य अब शुरू हुआ है। रीमॉडलिंग का कार्य जब यहाँ से शुरू किया गया तो जैसे ही शुरू किया गया, जैसे ही किसानों को पता लगा भी इसमें रीमॉडलिंग का कार्य हो रहा है, तो हमने कहा भी ये रीमॉडलिंग का कार्य जो है यहाँ पे छोड़ के पहले हमारी जो समस्या है इस नहर के तल को कम से कम 5 फुट ऊंचा उठाने का आप काम करोगे, और ये जो पहला और दूसरा 2 फाल है यहाँ पे जिसकी 10 फुट आप मान के चलो, तो हम चाहते हैं ये जो दूसरा फाल है जिसकी ऊंचाई 5 फुट है और आगे 5 फुट गहराई है भी, इसके लेवल से 96,000 की बुर्जी तक इस फाल को उठा के और वहाँ ले जाया जाए ताकि सभी किसानों के पानी जो है उसकी समस्या ना हो और किसी भी किसान भाई को जो है पानी उठा के ना लगाना पड़े। इस बात हमने 1 तारीख को यहाँ पे अपना धरना लगाया गांव बकरियावाड़ी के अंदर, और आज पूरी 10 तारीख हो गई है। हमारे पास अभी तक कोई भी जो है नहरी महकमे का कोई अधिकारी अभी तक हमारे पास नहीं आया है। एक दिन हमारे पास SDO साहब आए थे, SDO साहब ने आते ही हमें एक बहुत बड़ी बात कही सभी किसानों को भी, आप की जो ये समस्या ये जायज़ है, ये बात उन्होंने कही ये जायज़ है, लेकिन क्या है अगर इस नहर का तल 5 फुट अगर ऊंचा उठा देंगे तो सभी किसान भाई चोरी करने लग जाएंगे। इतनी बड़ी बात वो हमारे धरने पर आके कह के गए हैं भी, ये चोरी रोकने के लिए आपकी नहर को नीचा रखा गया है। हम किसान भाई चोर हैं, अगर इस देश का किसान चोर हो गया तो सौकार का तो नाम ही इस देश से ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे इरीगेशन डिपार्टमेंट को भी, SDO साहब हमारे धरने पर आके अपने कहे हुए शब्द वापिस लें और इस धरने पर आकर माफ़ी मांगे। उसके बाद में हम वार्ता का जो भी दौर है वो जारी रखेंगे। उपायुक्त महोदय को हमने पहले भी संज्ञान में दे दिया है और आज हमने SDM साहब को भी लिखित में ये दिया है कि अगर हमारी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कल 11 तारीख को शुक्रवार को हम 10 बजे से लेके 12 बजे तक इस रोड को भी जाम करेंगे, और अगर इसमें कोई भी अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेवार सिरसा प्रशासन होगा। सबसे पहले मैं किसानों की जो मांग है उसको मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँगा। ये आप जो देख रहे हैं ये रोड है सिरसा से गोगामेड़ी का, और इसके नीचे ये देखिए ये जो फॉल बना रखा है,
उसके बाद ये यहाँ पर करीब करीब 5 फीट गहराई इस नहर की यहाँ पर डाल दी गई है। और इसके बाद आप देखिए ये जो है तली यहाँ पर इस तरह की है कि मैं जो खड़ा हूँ मेरे बिल्कुल ये नहर जो है बिल्कुल डाउन के अंदर आ रही है। इसको ये आप देख सकते हैं, ये दृश्य यहाँ पर जो ठेकेदार है जिसको काम मिला है उसने ये काम अपनी तरफ से शुरू कर दिया था और किसानों ने 10 दिन पहले इस काम को रुकवा दिया था। 27 तारीख को 27 सितंबर को ये काम शुरू हुआ था और किसानों को पता लगा तो उसके बाद 1 तारीख को इन्होंने काम यहाँ पर रुकवा दिया। और अब जो किसानों की मांग है वो यही है कि इसका जो लेवल है उसको उठाया जाए, करीब 5 फीट उठाकर इसको जो है आगे उस लेवल पे लेकर जाना ज़रूरी है ताकि किसानों की पिछले 20 साल की जो मांग है वो पूरी हो सके। तो इस मांग को लेकर किसान यहाँ पर बैठे हैं, पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं गांव के जो किसान हैं उनसे कि एक्चुअल में इससे इनको किस तरह की क्या कुछ दिक्कत हो रही है। समस्या जी हमारी नहर ऊंची ठाणी है, 30 फुट जी पड़े जी, पानी में उठा के लगा हमारे मोगा लिफ्ट पानी चक्के हैं, सारा खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ा है। 20 साल से हमारे यहाँ मांग यही है, 2-3 सरकार बदल दी, हमारी मांग आई करता रहे हमें, बाकी हमारी समस्या कोई समाधान नहीं हुआ अब तक। अब ये रिमोडलिंग कार्य चल रहा है इसलिए हमने इसको रोक दिया गया है, हम ऊंची उठाने की मांग है। कितने गांव के किसान यहाँ पर? 4 गांव के किसान हैं, बकरियाँ वाली, गुड़िया खेड़ा, बोडिया खेड़ा, चौबरजा, 4 गांव के किसान इकट्ठे हम। अब मधु सुना अभी एक कब तक धरना जारी रहेगा? जब तक नहर का समस्या समाधान नहीं हुआ है जारी रहेगा। हमारी जो मांग है वो 20 साल से चल रही है नहर को ऊंचा और उसकी चौड़ाई कम करने के लिए, लेकिन कोई किसी महकमा जो है वो सुनाई नहीं कर रहा। पहले आश्वासन दिया एक आदमी ने, बाकी आज हमें 10 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, कोई किसी तरफ का महकमे का या उपायुक्त तो कोई भी यहाँ हमारे धरने पर नहीं आया है, लेकिन जब तक नहीं सुनाई होगी हमारी हम धरना अटल रखेंगे, धरना नहीं उठाएंगे यहाँ से। और कल का हमारा फैसला ये है कि आज कोई आश्वासन नहीं मिला हमें तो कल 10 बजे या पुल पर हम बंद लगा देंगे, 10 से 12 बजे तक बंद रखेंगे, बस ये हमारा धरना है, इसको हम सुचारू रूप से लगाए रखेंगे। वैसे मेरा रकबा तो नहीं है पर किसान जहाँ दरी पर बैठा है उसके लिए हमारा भी फर्ज बनता है कि इनके साथ देने का, इनकी मांग भी जायज़ जाए। 100 रुपये लीटर आज डीजल है और 1 घंटे में 4-5 लीटर डीजल, और उसके लिए मशीनरी भी चाहिए और उसके लिए वर्मा पंखा चाहिए, और जब मौसम ख़राब हो तो मौसम ख़राब की वजह से चल नहीं सकता, जो तोड़ का पानी नक्के का पानी लगे तो उसमें ठाठ ही ठाठ है, और सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है। ये फाल यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे करते हैं, इसको पीछे जो आ रही है पीछे से बंधाई में आ रही है, दड़बा कहरा वाली फाल कितनी 10-10 फुट बंधाई में आ रही है, तो बंधाई नहीं ज़मीन के बराबर ही आएगी, ये जमीन से 2-3 फुट ऊँची कर दो। इनकी मांग जायज़ है, हम उनका समर्थन करते हैं और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी इस धरने का हम सहयोग देते रहेंगे। और इन किसानों का भी तय दिल से धन्यवाद, इतने काम के टाइम में 5 गांव के किसान बैठे हैं, किस लिए बैठे? अपने बेटे बेटे पोतों की रोजी रोटी के लिए। जब भी पानी फालतू हो, बारिश हो रही हो, अपने डिग्गी में पानी खोलना हो तो एक बूढ़ा आदमी जाके खोल के आ सकता है, पर उसको लिफ्ट से चक करके पानी लगाए तो 3 आदमी चाहिए कम से कम, लेबर कितनी महंगी हो रही है। तो इनकी मांगों का हम समर्थन करते हैं और ये फाल जो इस जीटी रोड पर है ये माधव सिंगाणा के पास जानी चाहिए, इसका हम पूरा जोर समर्थन करते हैं और आखिरी दम तक इनका साथ देंगे, सहयोग देंगे। धन्यवाद।